हाँ भाई, कैसा लगा देखने में? मजा आया ना? तो मैं भी जब YouTube चला रहा था तो अचानक से ये वीडियो मेरे सामने आ गई थी, तो काफी अच्छी लगी थी यार मुझे देखने में। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, ये कॉलेज है क्या है जिसके बारे में हमें नहीं पता और जिसमें इतने बढ़िया बढ़िया फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इतने एंजॉयमेंट हो रहा है। तो नाम पता चला मुझे कि काजीरंगा यूनिवर्सिटी, इस नाम का भी कोई यूनिवर्सिटी है। देन मैंने इसके ऊपर डीपली में बात करी, सर्च करी, एंड एक स्टूडेंट था उसने मेरे से पूछा भी था ये काजीरंगा यूनिवर्सिटी के ऊपर कॉलेज रिव्यू ला दो, तो मैं ले आया हूँ। तो आज हम पहुंच चुके हैं असम की साइड, तो ये वीडियो यार काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। उसको कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? तो अगर आपके पास थोड़ी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको बी फार्म करना है तो यार आप इस कॉलेज के ऊपर थोड़ी सी नजर जरूर डालें। तो बिना टाइम का वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यार ऐसा कौन सा कॉलेज है जो जिसमें मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉलेजेस के बारे में बात करता हूँ। लाइक हम पंजाब जा चले गए, राजस्थान चले गए, यूपी चले गए, दिल्ली, इतने सारे स्टेट में चले गए। तो यार आज हम असम की साइड भी आ चुके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट पड़ता है ना शायद, यही यार मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है, तो नॉर्थ ईस्ट ही पड़ रहा है शायद असम। तो इस साइड एक कॉलेज है काजीरंगा यूनिवर्सिटी, तो काफी अच्छा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काजीरंगा यूनिवर्सिटी नॉलेज एंड बियॉन्ड, सही बात है, नॉलेज एंड बियॉन्ड काजीरंगा यूनिवर्सिटी। ये काजीरंगा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और ये रात में यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ज्यादा। आउट ऑन द लार्जेस्ट एंड टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ ईस्ट, देखा मैं सही था ना, नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो ये टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट की। एंड ये जो पीडीएफ है यार, ये मैंने खुद बनाया है 2 से 3 दिन रात को जग के, क्योंकि दिन में थोड़ा बिजी रहता हूँ तो बहुत टाइम लगता है यार बनाने में पीडीएफ को। तो एक बार इसको डाउनलोड करके ओपन करके जरूर देख लेना, और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो भी क्लिक करके देख लेना। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि मैं इस कॉलेज के प्रमोशन के लिए बना रहा हूं, बल्कि उनके लिए है जो सच में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड इस कॉलेज की बात मैं करूं तो इसकी लोकेशन जो है वो काजीरंगा यूनिवर्सिटी, कोयरकोवा, NS37, जोरहाट 785006, असम, इंडिया में। ये इसकी लोकेशन थी। अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, इसकी कनेक्टिविटी क्या है? तो बाय एयर 30 मिनट ड्राइव फ्रॉम रोहरिया एयरपोर्ट, मतलब यहां से अगर हम रोहरिया एयरपोर्ट जाते हैं वहां से हमें 30 मिनट ड्राइव करके जाना पड़ेगा, लाइक ओला कैब, कैब वगैरह जाकर जाना पड़ेगा। बाय रेलवे, अगर हम रेलवे से जाते हैं तो 45 मिनट ड्राइव फ्रॉम मरीना जंक्शन, मरीनी जंक्शन है अपना रेलवे स्टेशन, वहां से हमें 45 मिनट ड्राइव करके जाना पड़ेगा। बाय रोड अगर हम जाते हैं तो 1.5 घंटे लगते हैं हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, वहां से। एंड 2 घंटे लगते हैं अपना लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड मंजूरी से, तो आप जा सकते हो इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट रैंकिंग एंड एरिया की बात करूँ तो 50+ एकड़ का कैंपस, मतलब एक कैंपस जो है बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, 50+ एकड़ कैंपस समझ सकते हो। इसकी फाउंडेड इन 2012 एंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द असम प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन 2007। रैंकिंग की बात करूँ तो 151 टू 200 तक है इसकी रैंकिंग, NIRF रैंकिंग। एफिलेटेड है AICTE एंड PCI से, जो कि हर एक फार्मेसी कॉलेज होता है। ये एक प्राइवेट है तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि प्राइवेट तो है, साथ ही साथ में हमें फीस कम मिल रहे हैं, तो इस कॉलेज में यार चले जाना, देख लेना एक बार जाके, कर लेना सर्च, मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है इसके अंदर। मोड ऑफ एडमिशन क्या है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया और उसमें पास, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी लेना चाहो तो आप वो चॉइस भी आपके पास, बट एंट्रेंस एग्जाम दे दो यार, थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वो जितनी फीस है उसके ऊपर और छूट मिल जाए तो यार वो हो गया ना सोने पे सुहागा, वही बात हो जाती है। ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक कर दे आप डायरेक्ट एडमिशन वाले पेज पे चले जाओगे, वहां से आप एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी इसके चाहिए कि आप 10+2 पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो दोनों में से एक होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो है कंपलसरी होना चाहिए, और हर एक किसी में 45% मार्क्स से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। जो ऊपर लिंक है आप उस पर जा सकते हो, और उस पर जाते आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा रजिस्टर एंड लॉगिन का। रजिस्टर में क्या है कि आप अपने सारे डिटेल फिल करोगे, लाइक एंटर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ओटीपी जो फोन नंबर पे जाएगा, स्टेट और कौन सा कोर्स करना है, कोर्स के अंदर लाइक कौन सा कोर्स, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट या फिर हेल्थ एंड साइंस ऐसा कुछ लिखा आएगा, एंड स्पेशलाइजेशन किसमें करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी में।
आई एग्री करके रजिस्टर कर देना, उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मेल पे चली जाएगी। आप वहां से ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन कर देना, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना, फीस जो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसके साथ, और हो गया आपका एडमिशन। बस कॉलेज वाले खुद कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको काउंसलिंग देंगे, एडमिशन करवा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है बस रजिस्ट्रेशन करने। कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है? ये बी फार्म ऑफर करता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्म, एमएससी, काफी लोग एमएससी भी के बारे में मेरे से पूछे थे, तो इसको एमएससी बढ़िया है। मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री जिसके अंदर हम आंखों के बारे में पढ़ते हैं, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी के बाद जो एमपीटी का ऑप्शन होता है ना वो करा, उसको कहते हैं मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। बी फार्म की फीस जो है ओनली 50,000 है, बहुत कम फीस है यार, पर एनम 50,000, इतनी तो हमारी साल में लग जाती है। एमएससी की बात करूँ तो 25,000 to 35,000 है, एंड डी फार्म की बात करूँ तो 40,000 पर एनम। तो फीस मुझे यार काफी अफोर्डेबल लगा, तो ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है फीस के लिए। स्कॉलरशिप जो है मैंने बताया था ना कि अगर आप स्कॉलरशिप चाहिए तो एग्जाम दे देना, तो एग्जाम में अगर आपके जो आपने पहले 12th, जैसे आपने 12th पास करी, तो 12th में अगर 95% से 100% के बीच में, तो आपको ट्यूशन फीस फ्री मिलेगा। अगर उसमें आपके 90 से 94.99% के बीच में, तो आपको 70% का स्कॉलरशिप मिलेगा, 85% से 89.99% है तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, एंड 80% से 85% के बीच में तो आपको 30% का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो 25% का स्कॉलरशिप आपको तभी मिल सकता है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो भी आपको 25% का ऑफ मिलेगा। कोर्सेज एप्लीकेशन फी, जो कोर्स का एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपए है, और एडमिशन फीस 20,000 है। एक टाइम हॉस्टल फीस में एडमिशन लेने की फीस भी देनी पड़ेगी जो कि 10,000 है। उसके बाद हॉस्टल की फीस आपको इंडिविजुअली पर ईयर देना पड़ेगा। हॉस्टल फीस जो है वो 4 सीटर के 35,000, मतलब एक कमरे में अगर चार बंदे रहते हैं तो 35,000 है, एक कमरे में तीन लोग रहते हैं मतलब 3 सीटर है तो 42,000, 2 सीटर है तो 55,000 है, 2 सीटर नॉन एसी है विद एसी है तो 65,000। इन फीस के अंदर आपका ब्रेकफास्ट, लंच, सुपर, डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है, विद हफ्ते में 7 दिन वेज एंड हफ्ते में 5 दिन तक जो नॉन वेज है उनको लिए नॉन वेज। हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी क्या होगी, लाइक हम इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं तो क्या फैसिलिटी हो सकती है? 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलेगी, मेडिकल यूनिट है, क्योंकि आप स्टूडेंट कब डिप्रेस होकर पढ़ाई करने लग जाए ना, और कब उसकी तबीयत खराब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो 25/7 सिक्योरिटी है, मेडिकल यूनिट, लॉन्ड्री सर्विस, सलून, कैफेटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कैफेटेरिया मेरे लिए। 25/7 कैसे हो गया भाई, कौन सा नशा करके आया हूँ मैं। 25/7 एम्बुलेंस सर्विसेज, फैकल्टीज, फैसिलिटीज क्या क्या इसके अंदर है, लाइब्रेरी है, वाईफाई एनेबल्ड कैंपस, कैंपस के अंदर वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स एरिना, जिम है, लैंग्वेज लैब, मल्टी फैसिलिटी, एयर कंडीशन, ऑडिटोरियम, वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट, बस फैसिलिटी, मतलब जो आसपास रहता है उनके लिए बस फैसिलिटी भी है, और मेडिकल रूम जो कि होना चाहिए। मैंने जैसे कि बता रखा है कि हर कॉलेज में एक क्लब और सोसाइटीज होती है, इन कॉलेज के अंदर भी कुछ क्लब्स हैं लाइक कम्युनिटी क्लब हो गया, आर्ट एंड कल्चर क्लब, बॉडी एंड साउल क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब एंड लिटरेसी क्लब। अब इस प्रोग्राम के हाईलाइट्स क्या क्या है, काजीरंगा यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टाई अप विद द अपोलो मेडिस्किल्स। काजीरंगा यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसने फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने अपोलो मेडिस्किल्स के साथ टाई अप किया है। ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन अपोलो एंड इट्स एसोसिएटेड, अपोलो हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, क्या चाहिए यार। इसके साथ साथ और भी जो अपोलो हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हॉस्पिटल है उसमें भी आपको इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है। केस स्टडी बेस्ड अप्रोचेस होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इन ईच प्रोग्राम, एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम द इंडस्ट्री, जॉब असिस्टेंट बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैंपस रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्लेसमेंट हो जाती है ठीक ठाक। लैंग्वेज जो इंग्लिश में बात होती है, लाइक ये नहीं है कि आप असम जा रहे हो तो वहां को वहां की लैंग्वेज असम जैसी होगी कल्ला या फिर कर्नाटक की लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो समझ में आ जाता है सब कुछ। बैच साइज जो है वो 100 स्टूडेंट का पर बैच साइज होता है, और फुल टाइम आपको कॉलेज में रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि यार हफ्ते में 2 बार जाओ हफ्ते में 3 बार, तो फुल टाइम कैंपस है। ड्रेस कोड है इस कॉलेज के अंदर, तो पहला मैंने कॉलेज के बारे में देखा है जिसके अंदर ड्रेस कोड है। The dress code for Kaziranga University is kept as a formal, so as to the prepare you are a future leader or brand ambassador of Kaziranga University. Girls जो है वो सलवार सूट, कुर्ता, वेस्टर्न फॉर्मल साड़ीज पहन सकते हैं, बट बॉयज जो है वो फॉर्मल पैंट एंड शर्ट्स ही पहनेंगे। Kaziranga University officially is compulsory for student of all Wednesday. Wednesday को ये ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो यार काफी अच्छा लगता है कि हर वेडनेसडे एक स्टूडेंट अपना फॉर्मल में दिखेगा, तो काफी अच्छा लगता है इसका एनवायरमेंट देखने में। फैकल्टीज की बात करूँ तो फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव, जैसा मैंने बता रखा है कि इस कॉलेज की फैकल्टी काफी अच्छी है, हेल्पफुल है, सपोर्टिव है और वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है। मिसलेनियस की बात करूँ तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा, मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा था
ट्रेलर टाइप का, वो था एक टैलेंट टंट्रा फेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हैपनिंग यूनिवर्सिटी फेस्टिवल ऑफ इंडिया। टैलेंट टंट्रा इज अ बॉक्स फील्ड विद ऑल द मॉजनेस एंड यंग एनर्जीज। सेलिब्रिटीज आर रो टैलेंट्स दैट कोलैबोरेट क्रिएट अ ऑरा टू फील हर नॉट हियर। जी हाँ, बहुत बड़े लेवल पे होता है इसका, तो काफी अच्छा फेस्ट है, बताने की जरूरत नहीं है, आपने स्टार्टिंग में देख लिया था। इसी साथ वर्टेक्स मैं अपनी वीडियो खत्म करना चाहूंगा। इसकी वर्टेक्स है कि इफ यू वांट टू जॉइन फन आउटसाइड द कैंपस यू डू डिसअपॉइंटेड, देयर आर नो मॉल एंड रेस्टोरेंट हियर बाय द वर्टेक्स। अगर आपके आसपास कोई भी मॉल वगैरह नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ इस कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। ज्वाइन काजीरंगा यूनिवर्सिटी इफ यू एस्पायर टू स्टे इन अ पूल ऑफ हाईली एम्बिशियस स्टूडेंट डेवलप अ हाई स्किल, क्योंकि यार यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। वीडियो देखने थैंक यू सो मच, 100 व्यूज कर दो, नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू मैं ले आऊंगा फटाफट, तो बहुत इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि जिस कॉलेज रिव्यूज के बारे में लेने वाला हूँ, क्या पता उसकी डेट निकल जाए इसके 1000 व्यू होते होते, और वो आपके काम की ना रहे, तो फटाफट इस पे 1000 व्यूज करवा दो, शेयर करो जितना आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है और मैं कमेंट में आपका रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे सोशल हैंडल्स पे, स्नैपचैट मुझे ऐड करके अपने स्नैप भेज सकते हो, और ट्विटर हैंडल पे आप मेरे ट्वीट्स देख सकते हो। इसी के साथ साथ यार मेरे सारे सोशल हैंडल्स आपके सामने दे रखे हैं, फॉलो करो, कनेक्ट करो, ज्वाइन करो। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यार मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो प्लीज यार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। एंड ये है काजीरंगा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, जो कि देखने में एक मुझे किसी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर लग रहा है। जी हाँ, तो यहीं पे मेरी आज की वीडियो खत्म होती है, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आया तो यार शेयर कर देना अपने कलीग्स के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शेयरिंग इज केयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो शेयर करना ना भूलें। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉलेज रिव्यूज में, और नेक्स्ट क्या होने वाला है। जब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच।